और मेरे वैल्यू यार, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका यार टीएस टेक्निकल गेमर की नई और शानदार वीडियो के अंदर। तो वैल्यू आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप GTA वाइस सिटी GTA सैन एंड्रिया के अंदर न्यू कंट्रोल को लगा सकते हो। सो देख सकते हो यार, न्यू कंट्रोल कितने ज़्यादा ओपी लग रहे हैं। आप भी इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, देख सकते हो। GTA 5 हार्ड मोड को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसके अंदर नहीं डाला है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके ऊपर ही वाली वीडियो देख लेना, आप समझ जाओगे। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और दोस्तों आई बटन में दोनों में ही दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आज आपको दोस्तों एक थोड़ी सी कंफ्यूजन टाइप की एक बात है उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थोड़ा समझ लेना इस वाले मोड को, नए कंट्रोल को डाउनलोड करने से पहले। अगर आप न्यू कंट्रोल को डाउनलोड करना चाहते हो गाइज, तो आप इस वाले मोड को इंस्टॉल मत करना, देख सकते हो। ये दोस्तों मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कैसे आप GTA सैन एंड्रिया के अंदर 3D मोड को अनेबल कर सकते हो, जो जिसके अंदर आपको मिलता है कि कैसे आप 3D मैप को, टोटल मैप को 3D कर सकते हो। देख सकते हो, फिर से देख लो यार, कितने ज्यादा ओपी लग रहा है। देखने में एक नंबर लगता है गाइस, लेकिन आपका मैप बॉक्स नहीं बनेगा अगर आप न्यू कंट्रोल को ऐड करते हो। अगर आपने अभी तक दोस्तों 3D मैप वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आई बटन है उसकी वीडियो मिल जाएगी, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो मिल जाएगी। आप चाहे तो उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो न्यू कंट्रोल के साथ आपको बॉक्स वाला दोस्तों मैप नहीं मिलेगा। और अगर आपने 3D मैप को डाउनलोड नहीं किया है तो मत करो डाउनलोड, आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड करो गाइज न्यू कंट्रोल को। इसके अंदर आपको एक बॉक्स टाइप का मैप मिल जाता है इस प्रकार का गाइज, तो आपको ये ज़्यादा ओपी लगता है मेरे ख्याल से। तो इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा कैसे आप इस वाले मैप को अनेबल कर सकते हैं गाइज। तो अभी तक आप इन न्यू कंट्रोल के साथ मजे लीजिए। तो कैसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, सब कुछ मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड और इंस्टॉल करने की प्रोसेस इस वीडियो के अंदर है, तो यार बने रहना वीडियो तक और स्किप मत करो मेरे दोस्त। और यार अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया रखा है यार, 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करो, सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक माइक किया करो, कमेंट किया करो, हमें भी आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर कैसे हम इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले यार सब्सक्राइब मार दो मेरे दोस्तों, ना तो मार दो यार सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, इतना सब कुछ बोलता हूँ यार फिर भी तुम नहीं करते हो सब्सक्राइब, क्या यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर देना सब्सक्राइब, मुझे यकीन है आप सब्सक्राइब तो करोगे, कभी ना कभी तो करोगे, आज नहीं तो कल सब्सक्राइब तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो इतनी अच्छी लाऊंगा अब आगे चल के, तो सब्सक्राइब तुम ऑटोमेटिकली करोगे। तो गाइस इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, दोनों की लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो यार समझ के अच्छे से वीडियो को देखना यार, किसी प्रकार की दिक्कत आने पर मुझे कॉमेंट कर देना। तो आपको CPUZ नाम की एप्लीकेशन को ओपन करना है, और यहाँ पर देखना है कि आपके में क्या लिखा हुआ है, PowerVR लिखा हुआ है या फिर माली या Adreno, तीनों में से आपका जो भी लिखा हुआ है गाइस उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके लिए ही वीडियो लाऊंगा। तो यार मेरे में लिखा हुआ है PowerVR, अगर आपके में माली लिखा हुआ है तो मत घबराना, Adreno लिखा हुआ है तो मत घबराना। इस एप्लीकेशन के अंदर आप अपने मोबाइल की सब डिटेल को चेक कर सकते हो, तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है मैंने। तो इसको हम दोस्तों सिंपली कट करते हैं और अपने ZAchieve को ओपन करते हैं गाइस। और आपको एक फाइल को डाउनलोड करना है जिसकी लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, 5 MB की फाइल है। तो सबसे पहले हम अपने ZAchieve को ओपन करते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे समझ के देखना है वीडियो, और ZAchieve की भी लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे आने के बाद गाइस देख सकते हैं 360 नाम का एक फोल्डर है, इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर मैंने अपनी फाइल को रखा हुआ है जिस फाइल को आपको डाउनलोड करना है। तो न्यू कंट्रोल GTA 7 इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इसकी लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, 1 क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके अंदर मैंने कोई किसी प्रकार का पासवर्ड नहीं लगाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है, तो इसके अंदर आपको 3 फाइलें मिलेंगी, तीनों फाइलों को आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली मोबाइल नाम का एक फोल्डर होगा, सिंपली उसको ओपन करना है। तो दोस्तों आपको चाहे तो इस फाइल को दोस्तों सिंपली सेव करके रख सकते हैं अपने पास, अपने दोस्त को दे सकते हैं। मोबाइल नाम के फोल्डर को ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको बहुत सारी फाइलें मिल जाएंगी, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, लास्ट की 2 फाइलें mobile.txt और mobile.unc.tmb, इन 2 फाइलों को कॉपी करके या कट करके अपने दोस्तों डिवाइस मेमोरी में जाइए सबसे पहले। तो मैं इनको कट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, कट करने के बाद तो सिंपली यार कट नहीं हो रहा है क्योंकि मोबाइल की दोस्तों जो स्क्रीन है वो सही से काम नहीं कर रही, तो काम कर रही है तो यहाँ पर कट कर लेते हैं और डिवाइस मेमोरी के अंदर जाते हैं, और दोस्तों एंड्रॉयड के अंदर जाते हैं, डाटा के अंदर जाते हैं, com.rockstar नाम का एक फोल्डर होगा GTA सैन एंड्रिया के अंदर, आपको पता होगा यार। तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, फाइल्स पर क्लिक करेंगे गाइज, और txt db इस पर क्लिक करके मोबाइल नाम के एक फोल्डर होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे इन फाइलों को पेस्ट करके रिप्लेस कर देंगे गाइस। तो यहाँ पे टिक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे
और ये पे क्लिक कर देते हैं। आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अब आपका यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। अब जैसे कि आपने देखा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ था पावर वीआर, तो पावर वीआर के नाम से आपके आपके में फाइलें होंगी पीवीआर के नाम से। तो आपको तीन फाइलों को कॉपी करना है, आपके पास 9 फाइलें बची होंगी टोटल, उसी वाले फोल्डर के अंदर देख सकते हैं, मोबाइल नाम का फोल्डर है यहाँ पे, आपके पास 9 फाइलें बची हैं। इसके अंदर आपको 9 फाइलें मिलेगी, 9 फाइलों के अंदर गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली 3 फाइलें कॉपी करना है। अगर आपके में पावर वीआर है तो पीवीआर नाम की फाइलों को कॉपी कीजिए, माली है तो ETC वाली फाइलों को कॉपी कीजिए, एड्रीनो है तो DXT 3 फाइलों को कॉपी कीजिए। तीनों फाइलों कॉपी करने के बाद उसी फोल्डर के अंदर आपको पेस्ट कर देनी है, मोबाइल नाम का फोल्डर है, फाइल के अंदर जाइए फिर से, और दोस्तों आपको TXTP के अंदर क्लिक करना है, मोबाइल के अंदर क्लिक करना है, सिंपली पेस्ट कर दो, आपका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब आप अपने गेम के अंदर जा सकते हैं। वैसे मैं इसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, मेरे ख्याल से ये वाली वीडियो अच्छी नहीं बनी है, तो मुझे यार कमेंट करके एक बात बताएं ना कि मतलब आपको मेरी वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आता है या नहीं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कॉमेंट कर दिया करो, मैं फिर से उसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना लूंगा। अगर मेरे साउंड में किसी प्रकार की दिक्कत है तो मुझे कॉमेंट कर देना, मैं अपना माइक चेंज कर दूंगा, सब कुछ आपके लिए सब कुछ चेंज कर दूंगा, मोबाइल कंप्यूटर सब कुछ। तो प्लीज़ यार कॉमेंट कर देना कि आपको किस प्रकार की दिक्कत आती है या नहीं, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद गाइज, और कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, 2 दिन से वीडियो नहीं लाया था, और गाइज मेरे को पता है आप में से बहुत से लोगों ने तो वीडियो पूरी देखी ही नहीं होगी। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक पूरे देख रहे हो तो दिल से थैंक यू यार तुमको यार, और आई होप पैसे मेरे को पता है तुमने वीडियो पूरी नहीं देखी होगी, मैं फालतू इतना सब कुछ बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर नहीं बोला करूँगा अगर आप मुझे कमेंट कर देंगे तो। चलता हूँ यार, क्या मतलब इतना सब कुछ बोलने से, आप सब्सक्राइब तो मारोगे नहीं, सब्सक्राइब मारते जाना अगर वैसे यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो, यार सब्सक्राइब मार दो, इतना सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, मेरे बन के सब्सक्राइबर चाहिए लाइव करने के लिए बस, तो कर देना सब्सक्राइब।